जैसा कि गाइज मैंने बताया था, देखो पीछे मेट्रो जा रही है, दिख रही है? चंदा मामा ही अभी है शायद। ये देखो जूते और व्यू कुछ ऐसे यार, बहुत ठंड हो रखी है। हेलो गाइज वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाला है। मजेदार क्यों होने वाला है? क्योंकि आज मैं थोड़ा थोड़ा फ्री हो चुका हूँ काम से, तो ये मेरा लुक रहेगा आज का। ये देखो जूते कार हल्का, तो मिलते हैं कुछ थोड़ी देर में। मैं जा रहा हूँ बाहर, शाम का टाइम हो चुका है, 6 बजने वाले हैं। बाहर देख लो, अंधेरा होने वाला है। और जियोर जीजू यहाँ बैठे हुए हैं और हमने एक कैमरे वाले को हायर किया है, रिंग लाइट को। तो देखो जीजू कैसे देख रहे हैं, इधर यहाँ से दिख रहा था ये नहीं देख रहे थे, पता नहीं दिख रहा था, देखूंगा मैं। बाय 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 गाइस, मैं जा रहा हूँ बाहर। कहाँ से दिखा रहा था, प्लान में हो गया थोड़ा सा चेंज, और अभी मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ ऑफिस घर पे। कपड़े चेंज करके दोबारा से जाऊँगा, क्योंकि अभी प्रोग्राम दूसरे वाला हो गया है। पहले दूसरे वाला प्रोग्राम था, आप नहीं समझोगे, मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्या बुरी हालत है ऐसी बात कुछ नहीं है। बात क्या थी, पहले गाड़ी का प्रोग्राम था, बाइक का हो गया तो बाइक गाड़ी के लिए तो ये बेस्ट है, बट बाइक के लिए बेस्ट नहीं है। हाँ, तो क्योंकि बेस्ट तो है, ठीक है, बट कोई नहीं, बट जो पैंट पहन रखी है वो फटी हुई है, फटी हुई इन द सेंस घुटने से, ये कह रहे हो? हाँ, जाटा लग गया भाई। तो मैं प्रॉपर बढ़िया से कपड़े पहन के जैकेट तो मैंने अच्छी, ऐसी बात नहीं है। अरे मोटे वाली, हाँ मोटे वाली, तो वो पहन के मैं फिर आऊँगा, फिर भी मिलेगी आप, ठीक है? और व्यू कुछ ऐसे यार, बहुत ठंड हो रखी है और मज़ा आ रहा है बाइक पे घूम के ना। ये देखिए इधर से ही ले लियो, जिंदगी दे अच्छे टेंशन लेके बटे बटे राजे मरगे आर जा, तो फटाफट काम निकाल ले फिर चलेंगे, ठीक है? उसे भाई ने छोड़ दिया है। ये टेंशन लेके बड़े बड़े राजे मर के, बस लिफ्ट में इंटरव्यू, बाइक पे देखो बाल होगी क्या, यहाँ तक होगी, अब दी सुनाएगी मेरे को बाय गाइस। और जैसा कि गाइस मैंने बताया था, देखो पीछे मेट्रो जा रही है, दिख रही है? सुबह की मॉर्निंग हो गई है, अब पता चल गया। तो जैसा कि गाइस मैंने बताया था कि प्लान में चेंज हो गया कि बाइक से जाने वाले हैं, तो मैं अपने कपड़े पे कपड़े चेंज करके आ गया था, नीचे अलग पैंट और लोअर पहन लिया था। और ये है क्योंकि यार वो वाइट पैंट थी, वाइट भी चल जाती, लाइक मतलब उसका क्या था, वो ना वो फैशन था, उसमें फटी हुई थी पूरे, तो बाइक पे तो यार ठंड लगेगी यार, ये तो सबको ही पता, आप भी समझते हो। और मेट्रो स्टार्ट हो गई है, इससे पता चल रहा है मॉर्निंग हो गई है, देख लो। और व्यू भाई साहब, मैं तो यहीं पे चेयर डाल के और आराम से यहीं पे अपना आराम से बैठ के व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। व्यू बहुत ज़बरदस्त है, देखो आप। और जब मेट्रो जाते हैं तो और भी अच्छी लुक आती है। तो मैं रात का शूट नहीं कर पाया क्योंकि काम बहुत सारा था, और तो उसमें ही बिजी था, रहा नहीं मिला टाइम, सॉरी। तो अभी हो गया मॉर्निंग, अभी बस और 10-5 मिनट में निकलने वाले हैं, देखते हैं, मतलब निकलने का प्रोग्राम हो गया है मोस्टली। और भाई व्लॉग बहुत कम बना रहा हूँ, मतलब बना तो रहा हूँ पर एडिट करना और डालना वो टाइम नहीं मिल रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है।
बहुत ही जल्द फ्री होने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है कि, और बहुत ही मज़ेदार व्लॉग बनाएंगे। दी भी गुस्सा करती है कि मेरी वीडियो नहीं मैं बनाते हो, मेरे पास मैसेज और कमेंट्स भी आते हैं, डीएम भी आते हैं कि आप दी की वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, वो अकेले जब वीडियो बनाती है तो अच्छी नहीं बनती। तो कोशिश ये रहेगी नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएँ। और अभी जाऊंगा मैं घर पे और सोऊंगा, शायद दी आपको बताते होगी कि वो सुबह आता है तो भी आप देख ही सकते हो, मतलब अभी सूरज देवता भी नहीं निकले हमारे, चंदा मामा ही अभी है शायद। तो गाइस बने रहिए व्लॉग के साथ, एंजॉय कीजिए। और मैं अपनी पूरी सेफ्टी से आया हूँ, जैकेट है मेरे पास, ग्लव्स हैं, हेलमेट है। तो गाड़ी का एयरप्लान चेंज हो गया था तो हो, यहाँ तो है हीटर लगे हुए, ज़्यादा ठंड है नहीं। तो गाइज बने रहिए व्लॉग के साथ, मज़ेदार से व्लॉग हम बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग इंजॉय करते रहिए व्लॉग को। बाय बाय गाइज। हेलो गाइज, धूप निकल आई देख लो आप। और फिर कहते हो कमेंट्स में क्या काम नहीं करता, वही काम नहीं करता, अब टाइम देख लो कितना हो गया। और हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है, और मेरे बाल ऐसे ख़राब इस हेलमेट की वजह से हो रखे हैं, ये मानना कि बाल ख़राब हो रखे हैं। रात में सुबह तो मतलब शाम को तो खड़े थे, तो बस घर पहुँच जाऊँ, जाके खींचूँगा नींद अपनी। और ये है वो सेक्टर 29 जहाँ जीजू का बर्थडे मनाया था हमने। ये घर पहुँच जाऊँगा फटाफट, एक बार ही पहुँचता हूँ, फिर मिलते हैं आप सबसे। शोर बहुत आ रहा है।